हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आपके लिए लॉट्स ऑफ करेंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे अपकमिंग बैचेस कौन कौन सी है। तो हमारे अपकमिंग बैचेस जो कि ऑनलाइन चलने वाली बैचेज हैं और अगस्त महीने की हैं, बायलैंग वाली बैचेस होती हैं। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट यानी कि www.mahindras.org पर जो है संपर्क कर सकते हो। चलिए बात करें आज की डेट की थॉट्स की। तो थॉट्स क्या है, पॉजिटिव थॉट्स ऑफ द डे क्या है हमारा, यू आर अ विनर, यू आर अ विनर, फील लाइक दैट, ऐसा ही सोच के चलना है, यही करना है और ये विनर तो बनना ही है हमें। चलिए बात करते हैं सैटरडे के क्वेश्चंस की आंसर की। तो आंसर क्या होगा, केरला, जैसे कि मैंने आपको क्लास में ही बताया था, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये केरला में है, मैंने क्लास में बताया था आपको। एंड सही आंसर करने वाले थे आर डी डी स्टोन जी, सरिता रावत, पारिक आकाश, मंथन कुमार देश रत्ना, उसके बाद है वेंटकेश्वर नायक, मनीष चौधरी, प्रीति दास, सुब्रजीत पटनायक, गौरव सिंह, अर्चना पाल, अभिनव कुमार और राजीव कपूर। तो दीज आर दी स्टूडेंट्स जिनका आंसर बिल्कुल सही था। मैंने इनका नाम मेंशन किया, और भी कुछ कमेंट्स थे जो मैं मेंशन नहीं कर पाई बिकॉज़ वो कमेंट्स थे आई अप्रिशिएट, बट वो आंसर नहीं था तो इसलिए यहाँ उनका नाम नहीं है, बट आई अप्रिशिएट दिस ऑल थिंग्स। और कुछ ऐसे आंसर थे जो कि गलत थे, तो एज इट इज़ मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि गलत आंसर में मेंशन नहीं करती। बात करते हैं आज के हाइलाइट्स की। तो सबसे पहले हम हाइलाइट्स की तरफ अगर नज़र डालें तो हमारा हाइलाइट्स जो है वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हो, पहली बातें बोली जा रही है, कर्नाटका हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट, कर्नाटका हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य है वो कर्नाटक बन चुका है। बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो 34 साल के बाद हमारे एजुकेशन पॉलिसी में हुए थे परिवर्तन 2020 में। रिप्लेस किया गया था 10+2 मॉडल, जो 10+2 मॉडल है उसको रिप्लेस किया गया। कैसे रिप्लेस किया गया, रिप्लेसमेंट का जो कैटेगरी था यानी जो न्यू मॉडल आया वो 5+3+3+4 इस मॉडल पे बेस्ड है। और ये जो मॉडल है ये कायदे से एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब ये एज का रेंज क्या है और ये क्या कौन से एज ग्रुप में आने वाला है, तो पहले यानी 5 साल की अगर हम बात करें तो 3 to 8, सेकेंड अगर हम बात करें तो 8 to 11, और अगर हम बात करें 11 to 14, और नेक्स्ट बात करें तो 14 to हमारा जो लास्ट रेंज है वो है 18। तो ये है एज ग्रुप और ये है क्लास का रेंज, आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ इस एजुकेशन पॉलिसी में एक टारगेट था, क्या टारगेट था, ग्रॉस इनरोलमेंट का टारगेट था। ग्रॉस इनरोलमेंट जो है वो कितना होगा ये एक देखने की बात थी। सरकार ने ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फिक्स किया 2035 तक 50% जो स्टूडेंट्स हैं, आई कैन से कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनरोलमेंट हो सके, यानी 50% इनरोलमेंट की बात 2035 तक इसमें की गई है। एंड उसके बाद यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, ईच डिस्ट्रिक्ट, जितने भी अपने कंट्री में डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है होना चाहिए क्या कायदे से, एक जो है बाल भवन। तो बाल भवन होना है अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये बात की गई। तो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें स्टूडेंट के ऊपर वर्डन कम करने की बात की गई है। मल्टीपल डायरेक्शंस में हम जो है
वो एजुकेशन प्राप्त कर सके, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जो है हम एजुकेशन प्राप्त करें, ये मोटो है सरकार का। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी एम वेंकैया नायडू ने क्या किया है, रिलीज़ किया है। क्या रिलीज़ किया है? पोस्टेज स्टाम्प किसके नाम का? तो माननीय चमन लाल, तो चमन लाल जी के नाम पे पोस्टेज स्टाम्प जो है ये पब्लिश की गई है। ये पूरा का पूरा फंक्शंस, ये पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं फंक्शंस इवेंट जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? सरदार पटेल, आप देख सकते हो, कॉन्फ्रेंस हॉल जो कि मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली में है। तो चलिए, एड्रेस तो एज मच इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इम्पॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ये हो जाती है। ये बताइए, ये जो है माननीय चमन लाल जी थे कौन, है कौन ये? तो देखिए, इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये संघ के प्रचारक हैं, और इनका जन्म जो है वो 1920 में सियालकोट में हुआ था। अभी ये जो सियालकोट है, ठीक है, ये जो सियालकोट है कायदे से अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो बंटवारा से पहले, क्योंकि 47 के टाइम में बंटवारा हुआ था हमारा, पार्टीशन, तो ये जो है पार्टीशन को झेले हैं, वहाँ से अब यहाँ आना पड़ गया था इन सभी को। और उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है संघ के लिए, और भी अलग अलग संस्थाओं, और भी अलग अलग जो मानवतावादी हम कह सकते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो कायदे से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इनके नाम का पोस्टेज स्टाम्प जो है वो रिलीज़ किया है। ये बस नहीं याद रखना है आपको। सेकेंड, अगर हम बात करें तो पोस्टेज स्टाम्प की अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा पोस्ट इंडिया को समझना होगा, ठीक है। देखिए, अपनी जो पोस्ट इंडिया है, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे यहाँ पोस्टेज स्टाम्प, तो उससे पहले पोस्ट इंडिया यानी पोस्टिंग जो सिस्टम है हमारा, वो कैसे, कब जो है ये स्टार्ट हुआ, प्रारंभ कब हुआ? देखिए, 1766 में, 1766 में वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था अपनी कंट्री में क्या इस तरह की व्यवस्था, और उसका नाम था क्या? कंपनी मेल। अभी ये नहीं आई थी पोस्टेज स्टाम्प के नाम से या पोस्ट इंडिया के नाम से, ऐसा नहीं। कंपनी मेल जो है ये था, सॉरी, कंपनी मेल जो है ये इन्होंने सेटअप किया था 1766 में, और वास्तव में ये छोटा रूप था, स्मॉलेस्ट रूप था किसका? पोस्ट इंडिया का। इसके बाद ही प्रारंभ हो जाता है, पोस्ट इंडिया का काउंटडाउन शुरू होता है। 1854 में एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम होता है पोस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है। पोस्ट इंडिया एक्ट जो है, याद रखेंगे ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 पोस्ट इंडिया एक्ट पास किया जाता है, और कायदे से इसके तहत जो है वो पोस्टेज सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी पूरे लोकेशन तक जहाँ जहाँ पे कंपनी है, कंपनी के ब्रांचेस हैं, ठीक है। और ऐसा करने वाले ये किन के टाइम पीरियड में हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के टाइम में ये काम हुआ था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी का नाम। इन्होंने पोस्ट इंडिया जो है अपने कंट्री में स्टार्ट किया 1854 में। चलिए, अच्छा, अगर पोस्ट इंडिया की हमने इतनी सारी बात कर ली तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और हेडक्वार्टर का नाम क्या है? डाक भवन, ठीक है, तो डाक भवन इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है, एक साल का एक्सटेंशन दिया है किनको? कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गुब्बा को। तो देखिए, बस न्यूज़ तो इतना ही है, और क्या इतनी पावर होती है केंद्र सरकार के पास कि
कि वो अपने जो सेक्रेटरी होते हैं उनका टाइम बढ़ा सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। कंपनी जो हमारी कंट्री है, हमारी जो कैबिनेट है, इनके पास ये पावर होता है कि अपने सेक्रेटरी का टाइम पीरियड को बढ़ा सके। साथ ही साथ जो है, अगर ये चाहें तो किसी भी जो ऑफिसर्स हैं जो सेक्रेटरी के तौर पे कार्यरत हैं, उनकी समय अवधि से पहले उनको उनके जॉब से क्या कर सकते हैं, उनको उनके जॉब से रिलैक्स दे सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान है हमारे यहाँ। और अगर हम बात करें क्या क्या हमारी RBI या क्या हमारी ऐसी जो संस्था होती है, क्या उनके पार्ट भी ऐसा कुछ है कि वो भी अपने मेंबर्स को जो है रिलैक्स दे सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। अगर RBI में एक्सटेंशन करने की बात होगी तो वहाँ पे पार्लियामेंट एक्ट करेगी, ठीक है? पार्लियामेंट ही जो है उनके टाइम पीरियड को बढ़ाएगी। ऐसा रिक्वेस्ट जो है RBI की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा एक्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट है वुमेन कमीशन के बारे में। तो नेशनल वुमेन कमीशन की जो है चेयरपर्सन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया है रेखा शर्मा जी को। तो रेखा शर्मा जी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। और इनकी अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ये जो चेयरपर्सन बनी है 1990 के एक्ट के सेक्शन 220 के तहत ही बनी है। तो खैर, सेक्शन नहीं, हमें एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की स्थापना जो है ये 1990 में एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर। पूरी तरह से बॉडी स्टार्ट कर दी काम करना 1992 में, यानी बिल पास हुआ था 1990 में, बॉडी अपना काम करना स्टार्ट कर दी 1992 में। और ये बॉडी काम क्या करती है? ये बॉडी काम करती है फीमेल के लिए, फीमेल के प्रोटेक्शन की बात करती है, फीमेल की रक्षा की बात करती है, फीमेल के लिए जहाँ भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है नेशनल लेवल पे, तो ये बॉडी एक्ट करती है, ठीक है? और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट में या बहुत सारी चीज़ों में ये इन्वॉल्व होती है। जैसे NHRC की अगर हम बात कर लें, NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी जो है हम देख सकते हैं कि NCW यानी जो है हमारी नेशनल वुमेन कमीशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये इन्वॉल्व होते हैं एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर या एक्स ऑफिशियो मेंबर। इनके चेयरपर्सन जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे NHRC में भी वर्क करते हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और भी बहुत जगहों पे ये इन्वॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें हम। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के सिंगल डोज COVID-19 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। कब के लिए? इमरजेंसी केसेस के लिए। अगर वर्स्ट सिनेरियो हो तो जो है हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए इंडिया में थर्ड वेव की बात की जा रही है, और कुछ कुछ ऐसे हमारे स्टेट है जहाँ पे केस जो है थोड़े से फ्लैट हुए थे, लेकिन अब एब्रप्ट तरीके से वहाँ पे केस बढ़ रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पे थर्ड वेव आ चुका है। और पूरे इंडिया में नहीं, ये पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, लाइक केरला है ना, महाराष्ट्र वगैरह, तो ये है केसेस फ्लैट हो रहे हैं, बट थोड़ा सा ये केस रेज भी हो रहे हैं। अच्छा, पूरे इंडिया में भी अगर हम बात करें तो अब देखेंगे आप, तो प्रीवियसली थोड़े दिन पहले केस हमारे फ्लैट हो रहे थे, अभी फिर केस बढ़ना शुरू हुए हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सी बात है। तो और जो थर्ड वेव होगा वो काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लॉस करने वाला, डिवास्टेटिंग नेचर का होगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है बहुत सारे वैक्सीन्स और इन चीज़ों पे एक्टिव है, हालांकि शुरू से ही एक्टिव है। तो चलिए, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपसे कई बार जो है सारे वैक्सीन्स का डिटेल बताया है, और आज जो है एक छोटा सा आर्टिकल है, बस इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने लॉन्च किया है PM दक्ष पोर्टल। तो PM दक्ष पोर्टल जो है मोबाइल एप्लीकेशन भी है, दक्ष पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किया गया है हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है? नाम याद रखिएगा मिनिस्टर का, वीरेंद्र कुमार। रिशफलिंग हुआ था, रिशफलिंग के बाद सोशल जस्टिस मंत्रालय इनके हाथ आया था,
ठीक है, तो इसलिए कायदे से ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है, ये जो है पीएम दक्ष है क्या, ठीक है, तो ये अपने आप को जानना जरूरी है। तो देखिए पीएम दक्ष का मतलब है, डी का मतलब हो जाता है क्या, अगर आप देखोगे तो डी स्टैंड फॉर दक्षता, ठीक है, दक्षता और का जो है कुशलता, सम्पन्न, हितग्राही। तो ये फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, दक्षता एंड कुशलता, ठीक है, दक्षता और कुशलता, संपन्न, हितग्राही, आपको ये याद रखना है पीएम दक्ष का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नर है इन्होंने, यानी जो है मनोज सिन्हा जी ने फाउंडेशन डाला है, किसका फाउंडेशन डाला है, तो जो अमरनाथ यात्री होते हैं, जो अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं, तो अमरनाथ के यात्रियों के लिए जो है यात्री निवास का जो है ये फाउंडेशन डाला है, ठीक है। और ये जो है श्री अमरनाथ जी सीरीन बोर्ड के बोर्ड एड देख सकते हो आप, जो है पांठा चौक, ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है सेटअप किया गया है, ये लोकेशन है, ये एड्रेस है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट देखो, ऐसे तो एज सच बहुत होता नहीं है, लेकिन हाँ ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, तो एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाता है। जितने भी हमारे यूटीज होते हैं, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इन सब से जुड़े हुए हर एक चीज़ को एक बार स्लाइटली देख लेंगे, क्वेश्चन बने ना बने वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, लेकिन एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं 2021 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2009 में परिवर्तन करने की बात की गई है, इस्टेब्लिशमेंट करना है एक्चुअली लद्दाख वाले क्षेत्र में यूनिवर्सिटी को, तो जो हमारा लद्दाख है वहाँ पे यूनिवर्सिटी को जो है इस्टेब्लिश करना है, तो यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है लद्दाख, और वहाँ पे अगर सेटअप करना है तो हमारे जो पहले के एक्ट हैं है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो अगर यूनिवर्सिटी बनती है, अगर नहीं बनेगी तो उसका नाम क्या होगा, सिंधु यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा अपनी आगे की पढ़ाई को परस्यू करने में। होता क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा रीजनल जो है हम कह सकते हैं कि डिस्पैरिटीज, नेशनल एस्पिरेशंस के तौर पे, रीजनल एस्पिरेशंस के तौर पे बहुत बहुत कुछ उन्हें झेलना पड़ता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, और लैंग्वेज, कल्चर, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो एक तरह का ये जो है एडुकेशन के लिए माइग्रेशन जो होता है वो जो है कम होगा यहाँ पे। और अगर जो है हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो यूनियन यूनिवर्सिटी जो इंडिया है, इनकी स्थापना पार्लियामेंट के अंदर जो बनाई गई एक्ट है उसके तहत ही होगी, और रिव्यू करने का काम, मॉनिटर करने का काम, या ये पूरी की पूरी व्यवस्था किसके अंडर आती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर आती है, याद रखेंगे। और अगर मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय ऑफ एजुकेशन जो हमारा है वो इसके तहत आती है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए खेल रत्न पुरस्कार जो है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, ये अब कहलाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ऐसे मैं ये आपसे डिस्कस की हूँ, बट वो ऐसे ही बातों बातों में पढ़ाते पढ़ाते डिस्कस की थी, आज आर्टिकल के रूप में डिस्कस की हूँ, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू जिस दिन हमारी हो रही थी यानी संडे को हुई थी, तो संडे को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो संडे को डिस्कस किया था तो वहाँ पर तो सिर्फ एमसीक्यू चलता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि याद रखना है आपको, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। और अगर हम बात करें तो
तो मेजर ध्यानचंद जो है वो ऐसे ही प्लेयर है जो 3 टाइम्स लगातार 3 टाइम्स जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 1928 में इन्होंने पहला खेल प्रारंभ किया था, उसके बाद 1932, उसके बाद 1936, तो लगातार ये 3 ईयर मतलब 3 ओलंपिक जो है इन्होंने खेला है। और सबसे लास्ट की अगर हम बात करें तो 1936 का जो बर्लिन में ओलंपिक हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा था, क्योंकि बर्लिन जो है वो जर्मनी में, और उस समय के तानाशाह यानी जो है हिटलर के सामने इन्होंने प्ले किया था, और जर्मनी की धरती पे जर्मनी को ही हरा करके आए थे। इनके डर से कभी भी जब तक ये थे मैदान में तब तक जो है ब्रिटेन नहीं अपने प्लेयर्स को उतारा था, ऐसा मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। और ब्रिटेन को इतना डाउट था कि इनकी हॉकी स्टिक को कई बार जो है वो चेक करा चुके थे कि इनके हॉकी में कहीं जो है कोई ऐसा मैग्नेट तो नहीं है। और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में तो इन्होंने खाली पैर खेला था, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर भी आ गया था, इनके दांत में भी प्रॉब्लम हो गया था, इनकी दांत टूट गई थी, थोड़ी देर के लिए गेम से बाहर निकले थे ये, और बाद में आके खाली पैर प्रदर्शन किया था और जीते थे। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनका बर्थ जो है वो 29 अगस्त को होता है, और सबसे बड़ी बात है कि 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं इनके बर्थडे के रिमार्क को, बर्थडे को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम जो है सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे ठीक है। नेशनल स्पोर्ट डे के की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है अवार्ड भी दिया जाता है ठीक है, जो खेल रत्न अवार्ड जो है जो हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि स्पोर्टिंग अवार्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड जो है स्पोर्ट्स के द्वारा ये जो है नेमिंग तय की जाती है, सारा का सारा जो आउटले बनाया जाता है कि किनको क्या मिलना है परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये मंत्रालय तय करती है नाम है ना, और उसके बाद जो है ये अवार्ड सेरेमनी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखनी है आपको, ये खेल रत्न अवार्ड में ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रारंभ कब से हुआ था? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है 1991-1992 से जो है ये दिया गया था, याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। देखो हिजबुल्लाह तो पहले आप जान लीजिए कि एक एथनिक ग्रुप है ठीक है, ये एक एथनिक ग्रुप है, और ये जो है इस्लामिस्ट हम कह सकते हैं, सिया जो है इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। हिजबुल्लाह एथनिक ग्रुप है, मैं पहले बताएं, धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप है ये। और ये जो है अगर हम बात करें तो कहाँ इनका लोकेशन है, कहाँ पे ये एक्टिव है, तो इनका एक्टिव जोन जो है वो लेबनान है ठीक है। और इनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था ये आपको याद रखना है, 1980s के टाइम में ये अपने आप को फुली तरीके से स्टैब्लिश किए थे, और इस रीजन्स में जो है सिया मुस्लिम की ये वॉइस है, स्पेसिफिकली ये इज़राइल और सिया के बीच में जब वॉर होता है, इज़राइल आप समझ रहे हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे सिया मुस्लिम की कंट्री यानी कि ईरान ठीक है, तो ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान की जब भी फाइटिंग होती है इज़राइल से तो ये जो है ईरान को सपोर्ट करती है, समझ गए, ईरान के तरफ से ये प्रॉक्सी वॉर करती है किसके साथ, जो है इज़राइल के साथ। तो इम्पॉर्टेंट है, बस न्यूज़ में ये था कि इनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा ही एक्टिव तौर पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं ठीक है। तो इसलिए अब बैकग्राउंड पॉलिटिकल रीजंस मुझे नहीं जानना, चूँकि हिजबुल्ला न्यूज़ में रहा तो हिजबुल्ला क्या है हमें ये जानना है, बस और कुछ नहीं जानना है, बाद में की न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं बनते। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी माह के बारे में। अब ये पानी माह क्या है, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख की बात हम अगेन कर रहे हैं, तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में जो है पानी माह सेलिब्रेट किया जाता है, और ये पानी को बचाने के लिए एक तरह का कैंपेन है जिसको हम लोग पानी माह यानी वाटर मंथ बोल रहे हैं। ये इंक्रेज करता है लोगों को जो है
भैया पानी की वैल्यू समझो, ये बताने के लिए जल जीवन मिशन इन यूटीज़ का ये पार्ट है, ठीक है। और इसमें जितने विलेज कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी जो ग्रुप्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्लीन वाटर को प्रमोट करना, ये सब इनका जो है उद्देश्य है। अगर हम बात करें तो ये जो कैंपेन है ये 2 फेज में जो है रन करेगा, ठीक है। पहला जो फेज है वो जो है 3, आप देख सकते हो 3 प्रॉन्ग अप्रोच है इनके। पहला है फोकसिंग ऑन वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लानिंग एंड जो है स्ट्रेटजिंग की बात करेंगे, उसके बाद वाटर सप्लाई। तो ये 3 इनके मेनली अप्रोच हो गए। और जो है ये 3 अप्रोच को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे जो है ब्लॉक स्तर पे और पूरे के पूरे पंचायत स्तर पे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, ठीक है। पानी की जो सफाई है उसकी मतलब ध्यान रखना है, क्वालिटी की ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। चलिए, जल जीवन मिशन का ये पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं, हमारे टोक्यो ओलंपिक में जो है वो कितने मेडल्स हमें प्राप्त हुए हैं अभी तक की। देखिए, सबसे पहला जो मेडल हमें आया था मीराबाई चानू के द्वारा, जो कि सिल्वर मेडल था, और वो वेट लिफ्टिंग में था, है ना। तो ये 49 kg का था, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अच्छा, ये सेकेंड था, है ना, ये सेकेंड अभी तक का वेट लिफ्टिंग में, वुमेन वेट लिफ्टिंग में हमारा ये जो है ये सेकेंड हम कह सकते हैं मेडल हमें मिला है। पहला ब्रॉन्ज मेडल हमें प्राप्त हुआ है एंड जो है उसके बाद हमें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, यानी पहले हम तीसरे स्तर पे थे और ये 2002 के ओलंपिक में हमें जो है ये प्राप्त हुआ था। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2000 के ओलंपिक में हमें कौन से प्लेयर ने, है ना, जो है वो ब्रॉन्ज मेडल ला के दिया है। मैं आपके साथ डिस्कस की थी, कहाँ डिस्कस की थी, मैं आपके साथ डिस्कस की थी हमारी ओलंपिक की पूरी समरी। ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपसे डिस्कस किया था जुलाई महीने में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, ओलंपिक का पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड डिस्कस किया गया था। तो ये जो है आप मुझे बताओगे पहले तो इसका आंसर, एंड सेकेंडली हम देख लेते हैं कि जो है लोवलिना बोर्गोहिन के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल हमें प्राप्त हुआ, और ये भी था जो है बॉक्सिंग में, ठीक है, याद रखोगे वुमेन बॉक्सिंग में था। पीवी सिंधु ने हमें ब्रॉन्ज मेडल दिया, हालांकि पीवी सिंधु ने हमें इससे पहले के ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिया था जो कि सिंगल बैडमिंटन में। एंड उसके बाद हम बात करें रवि कुमार दाहिया, इन्होंने हमें दिया है सिल्वर मेडल जो कि मेन रेसलिंग की कैटेगरी में 57 kg के कैटेगरी में इन्होंने हमें सिल्वर दिया है। बस थोड़े से गोल्ड से हम चुके हैं, लेकिन ये हमारा दूसरा गोल्ड भी होता, लेकिन कोई नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम, जिन्होंने वापसी की है 41 ईयर के बाद, और ये वापसी जो है वो विश्व स्तर पे तीसरे स्थान पे रहते हुए यानी ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त करते हुए मेन्स हॉकी टीम ने प्राप्त किया। खुशखबरी ये भी थी कि हमारी जो वुमेन महिला हॉकी टीम है इन्होंने पहली बार जो है सेमीफाइनल में एंट्री मारी, तो ये भी हमारे लिए कम अचीवमेंट से कम नहीं था। और उसके बाद हम बात करें बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया ने हमें लाकर दिया है ब्रॉन्ज मेडल जो कि 65 kg के रेसलिंग में था। एंड उसके बाद जो है नीरज चोपड़ा ने हमें दिया है गोल्ड मेडल जो कि भारत का पहला गोल्ड मेडल हो गया इस ओलंपिक सीरीज में, यानी 2020 के ओलंपिक में। और अगर हम बात करें तो नीरज चोपड़ा के लाइफ की फर्स्ट ओलंपिक और फर्स्ट गोल्ड मेडल, गोल्डन बॉय हमारे नीरज चोपड़ा काफ़ी सुर्खियों में है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जैवलिन थ्रो में इन्हें प्राप्त हुआ था, और ये इंडिविजुअल गेम की कैटेगरी में आ जाती है। तो इस इंडिविजुअल गेम की कैटेगरी में हमें एक और जो है वो मेडल मिला हुआ है जो कि अभिनव बिंद्रा के द्वारा लाया गया था, और उसके बाद ये सेकेंड है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, जो कि करंट अफेयर बेस्ड हमारा एमसीक्यू है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ बीन रिसीव अ प्रॉफिट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 टू 2022। तो आपको बताना है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बल्कि होते हैं और ये बिल्कुल भी एक बार रिविजन कर लेना है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर देखिए 1209 करोड़ का इनकम हुआ था, बस यही ध्यान रखना है। सेकेंड की बात करें, बजरंग पुनिया हैज़ वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आपको बताना है, अभी मैं डिस्कस किया आपसे, अब ऐसी बात है रेसलिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं,
थर्ड नंबर क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा चोपड़ा हैज़ वॉन दी फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ऑब्वियस सी बात है जैवलिन थ्रो, तो कभी कायदे से गलत होगा ही नहीं हमारा। एंड थर्ड की बात करें तो रिसेंटली मित्रा 181 स्कीम वॉज इन न्यूज़ फॉर दी सेफ्टी ऑफ वुमेन, वुमेन सेफ्टी के लिए है ये, वुमेन के वेलफेयर के लिए है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट से संबंधित है, गोवा, कर्नाटका, पंजाब, केरला एंड उड़ीसा। तो आपको याद रखना है चार नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चार, यानी केरला सरकार ने लॉन्च किया है मित्रा 181, ठीक है, ये महिलाओं के सेफ्टी और वेलफेयर के लिए है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे रिसेंटली इन टोक्यो ओलंपिक 2020 सिल्वर मेडलिस्ट रेसलर रवि दाहिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आपको बताना है कि रवि दाहिया जो है इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, रेसलर भी हैं ये, आपको बताना है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान। सभी को पता है ये सब जो है जितने भी अभी हम, मुझे लगता है चाहे वो रवि दाहिया हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, ये सब जो है वो बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से। और हरियाणा स्टेट ने तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के लिए अनाउंसमेंट भी किया है। अगर हम रवि दाहिया की बात करें तो इन्हें 4 करोड़ रुपया दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, और उसके बाद क्लास 1A जो है नौकरी भी दी जा रही है। साथ ही साथ इनका जो पैतृक गांव है वहां पे इंडोर स्टेडियम की भी बात की गई है। चलिए और नीरज चोपड़ा के लिए भी अनाउंसमेंट किया है सरकार ने, 6 करोड़ रुपया। मैं बता चुकी थी आपको जब नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था उस समय जस्ट ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ था इनके, हमारे जो CM है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, तो उस बात को मैं वहाँ पर भी कोट की थी। 6 करोड़ रुपीज़ प्लस एक क्लास 1 नौकरी प्लस जहाँ ये प्रैक्टिस करते थे वहीं पे जो है हब बनाने की बात की जा रही है, हर तरह के गेम को जो है वो सेटअप करना चाहते हैं वहाँ पे, ताकि प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स जो है वो बाहर ना जाएं स्टेट के। तो बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा योजना यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन जो है फ्लैग ऑफ द पॉलीथीन फ्री श्रीनगर रेस की अगर हम बात करें तो आपको बताना पॉलीथीन फ्री की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर के लिए ये योजना लॉन्च की। वैसे ज़रूरी है श्रीनगर कश्मीर वाले रीजन्स में इन सब चीज़ों को लागू करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके और वहाँ पे लाइफ अच्छी हो सके, बहुत ही नेचुरल प्लेस है हमारा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनोज सिन्हा जो कि वहाँ पे क्या है हमारे गवर्नर हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सातवें नंबर क्वेश्चन की, तो रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग जो है साइक्लोन स्टॉर्म हैज़ अफेक्टेड 3 स्टेट नेमली उड़ीसा, बंगाल है ना और झारखंड। तो आपको बताना है देखो हुदहुद है और जो है हम देखेंगे यहाँ पे ताउते है एंड उसके बाद सॉरी यास है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो है निसर्ग है एंड उसके बाद जो है कयार है, तो क्या होगा? तो देखो ताउते तो जो आया था वो वेस्टर्न रीजन्स में था, वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स में यानी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात में आधा काफ़ी हुए इन क्राइम मचाया था। 7 नंबर क्वेश्चंस का अगर हम देखें ध्यान से तो यास आया था ईस्टर्न वाले रीजन्स में और ये सब सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं कायदे से क्या हैं, ये सभी के सभी नाम ही हैं इसके साइक्लोन स्टॉर्म के, लेकिन ये काफ़ी पुराने हैं, 2018 में आए हैं कुछ, 19 में आए हैं सॉरी 17 में आए हैं, 16 में आए हैं, तो उतना एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन 10 साल 5 साल पीछे का नहीं पूछा जाता है स्टॉर्म से संबंधित, क्योंकि कितना ही हम याद रख पाएंगे है ना। तो जो जिस ईयर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उस ईयर अगर कोई साइक्लोन आया है तो ठीक उसका नाम याद रखना है, या फिर उससे पहले कोई साइक्लोन आया है उस ईयर में जो है, मैंने हम कह सकते हैं कि उस ईयर में कोई साइक्लोन नहीं, उससे रिसेंट साइक्लोन कोई पहले आया तो काफ़ी डिवास्टेटिंग रहा तो एक बार नाम देख लेंगे, लेकिन जिस समय आप एग्ज़ाम देने जाते हो उस समय का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही जो है इस साल ही आया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं, समग्र शिक्षा स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, में कल मैं आपको सैटरडे को पढ़ाई थी, तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है 2026 तक डेट बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान, और ये समग्र शिक्षा अभियान 2.0 यानी 2.0 आप कह सकते हो ये सेटअप हो चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मिलिट्री हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी फॉर 2 ईयर, तो आपको बताना है कि किस देश की जो सेना है आपातकाल में जो है 2 साल के लिए जो है इनका काम जो है बढ़ा दिया गया, कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
अब ऐसी बात है, म्यांमार में आर्मी कूप हुआ है तो इन्होंने अपने आप को 2 साल के लिए कि भाई एक्टिव रहेंगे ये सेटअप कर दिया इन्होंने अपना। चलिए 10 नंबर की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड। मैं कई बार कराई हूँ आपको, तो 7 अगस्त इसका आंसर होगा। चलिए, और ये हमारे करंट अफेयर एमसीक्यू थे। देखिए वैसे तो मैं आज आपसे लाइव जुड़ने के लिए बिल्कुल मॉर्निंग से जो है हमारी क्लास की तैयारी हो चुकी थी, बट समय पे जो है वो मैं कनेक्ट नहीं हो पाई आपसे, और मुझे बहुत ही दुख है कि मैं जो है रिकॉर्डिंग आ रही हूँ आपके साथ। मुझे लाइव आना था और मैं बिल्कुल रेडी थी लाइव के लिए, बट हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज़ और वेदर का इश्यूज़, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डाउन पड़ा हुआ है। तो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप दैट गाइज यू आर मतलब रियली आपने इंजॉय किया होगा और पढ़ाई की होगी। ठीक है, चलिए, एंड हमारे साथ बने रहने के लिए सभी को थैंक यू।